से एक ऐसी वारदात सामने आई है जो महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ढेरों सवाल खड़े करती है। रात के अंधेरे में पहले एक महिला से बलात्कार की कोशिश की जाती है और जब महिला विरोध करती है तो तेज धारदार हथियार से उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। बुधवार की रात पीड़ित महिला शौच के लिए गई थी। रात के करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा, किसी ने उसे पीछे से दबोचा और जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया और शोर मचाने लगी, जिसके बाद बलात्कार की कोशिश करने वाले ने हमला कर दिया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 307 और 354 मामला के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। महिला वर काल रात्री ती शौचालयासाठी गेलेली असताना एका अज्ञात व्यक्तीने निर्गुणपणे हल्ला केलेला आहे। यामध्ये ती महिला गंभीर जखमी झालेली आहे, तिला ससून हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केलेलं आहे। यामध्ये आता स्पॉटला आम्ही आलेलो आहे आणि एक्झॅक्टली नेमका काय इन्सिडेंट झाला, कशा प्रकारे याच्यामध्ये घटना घडलेली याची माहिती घेतलेली आहे। पोलीस याच्यात पुढचा तपास करतात, लवकरात लवकर आम्हाला आरोपी निष्पन्न होईल अशी अपेक्षा आहे।